मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ एके मिश्रा हमारे साथ है, ठाकुर बन में होते बकवास बंद कर पे बैठ के राजी नहीं। एके मिश्रा जी चाहते हैं कि ओपन मार्केट किसानों के दरवाजे पे पहुंचे नहीं, बिठा लेते हो आप। अरे तुम्हारे बीच में हम बोले क्या, तुम्हारे बीच में बोले क्या हम? शांति से सुन लो, सभ्यता से सुन लो, एक दूसरे का सम्मान करो, बात का सभ्य भाषा का प्रयोग करिए, सुन लो उसके बाद बोलना। भाषा का प्रयोग करिए, मैं बारी में बोल लेना मेरे भाई। अरे आपने अपनी बारी, आपके बीच में बोले क्या, आपके बीच में हम बोले क्या? अब आप रास्ते पे आए, सभ्य भाषा का प्रयोग करिए। अब आप रास्ते पे आए, सभ्य भाषा का प्रयोग करिए। अब आप रास्ते पे आए, सभ्य भाषा का प्रयोग करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूँ मैं आपसे कि जब कोई सरकार निष्ठुर हो जाए, बात न सुने, संवेदनहीन हो जाए, हाँ। तो उसकी ताकत जो है वोट है, वोट के माध्यम से जो उसको चोट दी जाएगी और उसी से ये समझेंगे। उसके अलावा हमारे पास लोकतंत्र तो में एके मिश्रा साहब, मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास। एके मिश्रा साहब बताइए जरा, शुरुआत में जो आरोप लग रहे थे कि इस किसान आंदोलन को पॉलिटिकल बैकअप दिया जा रहा है, तो अब उसी की कलई खुलकर सामने आ रही है ना? देखिए ये भारत की जो जनता है और हम सभी लोग इतने अंधे नहीं हैं, हमारे भी जो अंतरचक्षु हैं, देश की जो जनता है और जो असली किसान हैं उनके जो अंतरचक्षु हैं उससे इनकी पहचान, हम लोग इनको पहचान रहे हैं। किसान ये नहीं है, अभी मैं देख रहा था ये बोल रहे थे एसी लगेगा, कूलर लगेगा। किसान वो है जो 12 बजे दोपहर में भी अपने बैल और हल के साथ, उस किसान को जरूरत है एसी और कूलर की, इस बिल की जरूरत उस किसान को है। ये जो तथाकथित नेतागिरी वाले जो किसान हैं, जो राजनीतिक किसान हैं, जो बंगाल में जा रहे हैं चुनाव को जो है प्रभावित करने के लिए, अपनी चुनावी खेती करने के लिए दिल्ली में बैठ के ये चुनावी खेती कर रहे हैं, अरे दिल्ली में आने का राजनीतिक किसानों का इतना शौक है तो अपनी पार्टी बनाइए और चुनाव लड़िए ना, किसने रोका है? दिल्ली के आप संसद में जाइए, आपको किसी ने रोका है क्या? लेकिन किसान का वेश लेकर के, किसान की वेशभूषा कैमोफ्लॉक करके आप इतना बड़ा छल बुद्धिजीवियों के साथ, असली किसानों के साथ, हाशिए पर जो किसान पड़ा है गर्मी में, जो अपने खेत में अपने बैल के साथ है, उसको देखिए। मिश्रा साहब मैं वापस लौट रहा हूं, छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा मैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह से। चौधरी साहब बात रखिए अपनी। हां मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये बताइए श्रीमान जी, अगर दिल्ली सरकार हमारे खिलाफ कानून बनाएगी तो अंडमान निकोबार पे या हिमालय पर या थार मरुस्थल में जाकर के आंदोलन होगा क्या? दिल्ली देश की राजधानी नहीं है क्या? हमारा दिल्ली पे अधिकार नहीं है क्या आंदोलन करने का? दिल्ली में आंदोलन क्यों कर रहे हो? दिल्ली में आंदोलन क्यों कर रहे हो? दिल्ली से कानून क्यों बनाया आपने खिलाफ हमारे? अगर आपको दिल्ली में आंदोलन करना है तो कोलकाता की सरकार की बातें कर रहे हैं, आपको आपको एमएसपी ममता दीदी देंगी, बंगाल की सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, तो आप केंद्र सरकार के पास आपके खिलाफ जा रहे हैं, आपके खिलाफ जा रहे हैं, जरा अब आप बिल मिला रहे हो जब, अरे हमें पता लग गया है आपका ही लॉजिक। रावण की नाभि में अटैक होने से रावण का संहार होगा, रावण मानेगा ही नहीं एमएसपी कलकत्ता से। रावण, अरे बात तो आप नहीं कर रहे, की ठोक करके आप बकवास कर रहे हो बेकार के। यहाँ पर सरकार देगी अगर कानून, केंद्र सरकार बना रही है, आपने कील ठोकी हुई है कील, श्रीमान जी जाके वहाँ देख। लेकिन चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, चौधरी मत बोलिए, एके मिश्रा सर मैं वापस हट रहा हूँ। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह छोटा सा मेरा सवाल है, ये बात तो वाजिब है अगर आप ईमानदारी से स्वीकार भी कर रहे हैं चौधरी साहब कि हम वोटों को प्रभावित करने के लिए जा रहे हैं, तो ये कानून तो सर केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का कानून तो है नहीं। ये आपको अगर बीजेपी के वहां पर वोट कटवा करके अगर फायदा मिल सकता तो आप वो बताइए, आप एक गारंटी करते हैं ना? चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान है और आपसे ज्यादा किसानी जानते हैं, हम आपको बता दें आपसे ज्यादा किसानी हम जानते हैं। ये पलायन कर गए हैं 1.5 महीने से, वार्ता नहीं। अरे इनको पहली बार बिठाया क्या टीवी पे? अरे साहब पहली बार आप आ रहे हैं, आप पहली बार किसानी आप कर रहे हैं, किसानों का रिप्रेजेंटेशन पहली बार आप कर रहे हैं। आप न सकल से न सूरत से आप किसान नहीं लगते हैं, आप किसान होते तो खेत में होते, बैठ के राजनीति जाइए। मिश्रा जी देखिए शब्दों की मर्यादा बनाकर रखेंगे, पर्सनल कॉमेंट देखिए सर आप नहीं करेंगे, पर्सनल कमेंट आप नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करने के लिए आए, मुद्दे की बात की जाएगी सर, पर्सनल कमेंट नहीं। एके वाजपेयी साहब सवाल मेरा आपसे, पर्सनल कमेंट नहीं होगा सर, पर्सनल कमेंट नहीं होगा सर, मैं बहुत माफी के साथ रोकूंगा आपको, पर्सनल कमेंट नहीं होगा सर। एके वाजपेयी साहब मुझे बताइए जरा कि अब तक जो कहा जा रहा था, राकेश टिकैत लगातार यही नगाड़ा बजा रहे थे कि हमें वोट नहीं चाहिए, कि अगर आपको किसानों के नाम पर राजनीति करनी थी तो शुरुआत में पॉलिटिकल पार्टी बनाई होती। ये लाखों किसानों को या जो लोग किसानों के हित में बात करते हैं उनको धोखा क्यों दिया गया, अब तक अंधेरा क्यों रखा गया उनके सामने अभी तक?
नहीं कोई अंधेरा नहीं रखा गया, पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता नहीं होती, हमारी उंगली बहुत है, उंगली और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जी और ईवीएम मशीन यही बहुत है। पॉलिटिकल आदमी दो ही चीजों से डरता है, एक वो व्यक्ति जो वोट घटाए, एक वो व्यक्ति जो वोट बढ़ाए, दोनों के चरणों में जाके बैठ जाता है। जब इनको लगेगा कि जो है हमारी वोट घट रही है, हमारी सीट घट रही है, हमारी गद्दी छिन सकती है, तो ये सीधे हो जाएंगे। इनमें कोई भाई इनके अंदर को सुरखाब के पर थोड़ी लगे हुए हैं, केवल वोट की हमारी ताकत से ये वहां बैठ गए, हमसे गलती हो गई, इनको वोट दे दी जी। अब उसके खिलाफ वोट इस्तेमाल करके लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। चलिए बताइए चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, टीएमसी की किसानों के हित की कौन कौन सी पॉलिसीज रही हैं सर? पुष्पेंद्र सिंह जी, किसानों के हित के लिए टीएमसी की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो आप वहां जाकर के उनका समर्थन करने में लगे हुए? आपका निजी मसला हो सकता है कि किसी को भी आप समर्थन कीजिए। हम ना टीएमसी, हाँ जी, हमारा किसी टीएमसी, किसी कांग्रेस, किसी और पार्टी से कुछ नहीं कह रहे, हम बहुत स्पष्ट नहीं सर, इनको आप ऐसे बचेंगे नहीं सर, किसी को वोट नहीं, नहीं, दे दो, साफ बच के निकलना नहीं है सर, सत्य का सामना करते हैं। अगर टीएमसी के लोग आकर वहां ये सम्मान आपका कर रहे हैं कि भाई ममता जी को खुद आना था लेकिन आ नहीं पाई, तो मतलब उनका रुझान आपके प्रति तो है ना, और आप भी उनका सम्मान उसी वैसी सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, दिल्ली अनंत भाई, दिल्ली के बॉर्डर पे हम बैठे हैं, कल को प्रधानमंत्री हमारा स्वागत कर दे, कील उखाड़ दे, हमारे बीच में आ जाए, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री हमारा स्वागत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया जी। और क्या टीएमसी या ममता बनर्जी प्रतिबंधित है? मैं इनसे एक चीज पूछता हूँ, अगर इनकी अंगुली में, इनके वोट में इतनी ताकत है, मैं मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, तो 2024 में देख लीजिए ना, पूरी दिल्ली को नाहक किसानों को आप बदनाम क्यों कर रहे हैं? और दूसरी चीज, फर्क देखिए, ये कब्जा गैंग में बदल गया है, कभी ग्रेटा थनबर्ग का इनको सपोर्ट मिलता है, कभी कहां से मिलता है, मियां खलीफा का मिलता है, अब ये टीएमसी जा रहे हैं शायद फंडिंग वगैरह का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलता हूं, फर्क देखिए, एक सरकार है जो छोटे छोटे गांवों में गरीब किसानों का घर बनवा रही है, ये कब्जा गैंग बन के हाईवे के सामने छोटे छोटे जमीन जिनकी कीमत करोड़ों की है वहां ये पक्का कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, ये संविधान में विश्वास करते हैं। और रही बात कील ठोकने की, तो मैं इनके कील ठोकने का भी जवाब देता हूं, इन किसानों ने, तथा कथित किसानों ने ऐसी अदृश्य कील देश के जनता के दिलों में ठोक दी है, जिसकी फांस, जिसका दर्द हमेशा रहेगा, इन्होंने उन असली किसानों के दिलों में कील ठोक दिया है, क्रूसीफाई कर दिया है, जो देश का असली किसान खेत में आज भी बैठ करके अपना हल और बैल चला रहा है और ये एसी और कूलर की व्यवस्था कर रहे हैं, ये किसान है। अरे साहब, उनके घर जाके बनवाइए पहले, किसानों के इतने हितैषी हैं, तो आपके गांव में भी गरीब किसान है, जरा उनकी झोपड़ी को ईंट दे दीजिए। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, रखिए अपनी बात, बताइए जरा, हो रहा है ये आंदोलन अब सुन लीजिए जी, अब सुन लीजिए, ये आंदोलन गरीब छोटे किसान के लिए हो रहा है जिसको एमएसपी नहीं मिलती। एमएसपी आप दे सकते हो, आपके हाथ में, आप देना नहीं चाहते, आपसे तो मांगेंगे मेरे भाई, गरीब किसानों की इनकम तो बढ़ना ही नहीं देना चाहते हैं आप, किसान के आप चाहते हैं कि ओपन मार्केट किसानों के दरवाजे पे पहुंचे नहीं, बिठा लेते हो आप। अरे तुम्हारे बीच में हम बोले क्या, हम शांति से सुन लो, सभ्यता से सुन लो, एक दूसरे का सम्मान करो, बात का सभ्य भाषा का प्रयोग करिए, सुन लो उसके बाद बोलो, भाषा का प्रयोग करिए, मैं बारी में बोल लेना मेरे भाई। अरे आपने अपनी बारी, आपके बीच में बोले क्या, आपके बीच में हम बोले क्या, अब आप रास्ते पे आए, सभ्य भाषा का प्रयोग करिए, चाहते हैं कि ओपन मार्केट किसानों के दरवाजे पे पहुंचे नहीं, बिठा लेते हो आप। अरे तुम्हारे बीच में हम बोले क्या, शांति से सुन लो, सभ्यता से सुन लो, एक दूसरे का सम्मान करो, बात का सभ्य भाषा का प्रयोग करिए, सुन लो उसके बाद बोलो, भाषा का प्रयोग करिए, मैं बारी में बोल लेना मेरे भाई। अरे आपने अपनी बारी, आपके बीच में बोले क्या, आपके बीच में हम बोले क्या, अब आप रास्ते पे आए, सभ्य भाषा का प्रयोग करिए, मेरा कहना यह है। अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपके बीच में हम बोलते नहीं है, आप भी ना बोलें कृपा करके। हमारा ये लोकतंत्र में अधिकार है कि यदि सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है, हमारे सीने में कील ठोक रही है, हमें दिल्ली आने नहीं देना चाहती, भैया रामलीला मैदान आ रहे थे हम, आपने वहां बिठाया, आपका अधिकार बिल्कुल हो सकता है सर, आप कह रहे हैं आपका अधिकार बिल्कुल हो सकता है, सरकार का विरोध आप करिए, लेकिन पक्के मकान बनाकर आप सोचेंगे कि वहां कब्जा कर ले सर, पब्लिक प्रॉपर्टी पे कम से कम ऐसा तो मत कीजिए, कब्जा तो मत कीजिए, कोई कब्जा नहीं किया जा रहा,
आदमी गर्मी से बचने के लिए अपना जो है टेम्परेरी इंतजाम कर रहा है, क्योंकि लंबा चलेगा ये सर, पक्के मकान बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, टेम्परेरी नहीं है। मिश्रा जी बताइए, उसके बाद चलूंगा संजीव कौशिक के पास। मिश्रा जी, मिश्रा जी हट गया है, ये टेम्परेरी, ये 3 महीने गर्मी नहीं झेल सकते। और देश का जो असली किसान है वो खेत में अपने बैल के साथ इस तपती धूप में खेती कर रहा है। और ये एसी और कूलर का जुगाड़ करके आप किसान बन रहे हैं। अरे साहब, क्यों ये मुखौटा उतार के फेंक दीजिए सर, अनुरोध है। किसानों को बदनाम मत करिए जी। ठीक है, मैं दोनों के पास लौट रहा हूँ सर। संजीव कौशिक जी मुझे बताइए, देखिए सर बेहद साफ गोई से अपनी बात कहने की जरूरत है संजीव कौशिक जी, और मेरा सिर्फ दो सवाल है।